हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारे इकोनॉमिक्स की क्लास, और इस इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम लोगों ने ऑलरेडी इंडियन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रखा था, मनी सप्लाई वगैरह के बारे में बात कर रखा है, शेयर मार्केट वगैरह के बारे में बात कर रखा है। तो बेसिकली इंडियन मार्केट में किस तरीके से इंडियन इन्वेस्टमेंट होनी है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्या तरीके होते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होती है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही होती है। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो प्रीलिम्स स्पेशल और मेंस स्पेशल भी हैं, दोनों ही आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। पहले आपको यह समझने की जरूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है। जैसा कि हम लोगों ने इंडियन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया था, इंडियन इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स वगैरह हो गई थी, जहां पे शेयर्स हो गई थी या डिबेंचर हो गए थे या बॉन्ड्स हो गए थे, जहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कॉमन मैन दोनों के दोनों ही शेयर को परचेज कर सकते थे, सेल कर सकते थे। दूसरी इन्वेस्टमेंट की मॉडल आई थी जहां पर हम लोगों ने कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया हुआ था। इस कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हो जाती थी, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। इन्वेस्टमेंट मॉडल में हम लोगों ने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर हम लोगों ने एक और बात किया था जिसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड। तो हम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी बात किया हुआ था कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है। फिर उसके बाद होती है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन बाय द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। बेसिकली यहां पर हो क्या रही है, ये सारी की सारी हम लोगों ने बात की है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहां पर आप पैसे दे करके कुछ समय के लिए इसे छोड़ दे रहे होते हैं। जब भी ये जो सिस्टम इंडिया में विद इन इंडियन हो रहा है तो हम लोग इसे इंडियन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लेकिन जब भी ये सिस्टम इंडिया में फॉरेन प्लेयर के द्वारा होना शुरू हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज बिकॉज ऑफ फॉरेन प्लेयर। अब यहां पर देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स कैपिटल फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ग्रांटिंग एक्सटेंसिव ओनरशिप स्टेक्स इन डोमेस्टिक कंपनीज एंड असेट्स। क्लियर हो गया, तो सेम चीज वर्ड्स में लिख दी गई है। अब हम लोग देखें कितने टाइप के हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे FDI हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII हो गई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वन बाय वन करके जरा फटाफट देखना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं और मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आप लोगों को काफी कुछ बता रखा है। ये क्लास बेसिकली रिविजनरी टाइप की हो जाएगी और कुछ छोटी मोटी चीजें जो भी एक्स्ट्रा होंगी वो आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए, FDI के बारे में देखते हैं। FDI का मतलब क्या होता है? FDI इज वेन अ फॉरेन कंपनी और इंडिविजुअल establishes new business operation or acquire business asset including controlling interest in an already existing Indian company. जैसे इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए, foreign FDI, FPI और FII आपको एक ही example से clear हो जाएगा। Suppose any foreign player is there, foreign player का मतलब हम लोग मान लेते हैं कि Boston Consulting Group है, BCG है, ठीक है, Boston Consulting Group। इस बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को सपोज इंडिया में अपना ऑफिस खोलना है, सपोज इंडिया में इनको अपना ऑफिस खोलना है, तो ये एक ऑप्शन है, ये आएंगे अपना और इंडिया में अपना ऑफिस खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अपना ऑफिस खोल लिए, पैसा वैसा दिए गवर्नमेंट को, कोई दिक्कत नहीं, अपना ये खुद का सेपरेट सेटअप इन्होंने कर लिया। दूसरा ऑप्शन है कि ये कहेंगे टाटा TCS वालों से कहेंगे कि यार देखो ऐसा है, हम लोग को एक अपना एक अलग ऑफिस खोलना है, तो आप एक काम करिए कि अपना एक कमरा मुझे उधार पे दे दीजिए और मैं अपना काम यहां पर काम धंधा चलाना शुरू कर दूंगा। TCS वाले बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है चलो। तो यहां पर इसने क्या किया, ये डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट आकर के अपना जो भी काम काज करना है वो काम काज कर रहा है, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इसने TCS का कमरा उधार पे लिया है, यानी इसने पोर्टफोलियो लिया हुआ है।
तो जहां पर भी पोर्टफोलियो लिया जाएगा उसको बुलाएगा कि दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जहां पर इनडायरेक्ट वे होती है उसको हम लोग बोलते हैं एफपीआई, और इसी का दूसरा एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं एफआईआई। क्लियर हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूं, क्लैरिटी और आ जाएगी। सपोज मान लीजिए कि एमआई फोन है, Xiaomi फोन है, एक ऑप्शन है इनके पास इंडिया में आकर के खुद का मैन्युफैक्चरिंग एरिया इन्होंने बनाया, कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने एक ऑफिस डाला यहां पर, हब डाला यहां पर। दूसरा ऑप्शन है ये कहेंगे माइक्रोमैक से, यार देखो मुझे फोन बनाना है, एक काम करो मैं तुमको पार्ट्स सप्लाई करते जाऊंगा, तुम उसके माइक्रोमैक्स एमआई इस तरीके से लिख करके सामान बेचते जाना। तो अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या इसी को बोल सकते हैं कि इसने एमआई के मतलब माइक्रोमैक्स के शेयर्स को खरीद लिए और यहां पर इसने कुछ मोबाइल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो दिस इज एफपीआई। और यहां पर ऊपर वाला जो डायरेक्ट आ रहा है ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एफडीआई। दोनों में क्लैरिटी आ गई क्या चीज है। एफपीआई और एफआईआई में केवल अंतर मैंने आप लोग को बताया था कि अमाउंट का होता है, अमाउंट का अंतर। और अगर मान लीजिए 10 लाख से कम का होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एफआईआई है, 10 लाख से अगर ऊपर का हो जाता है तो ये हो जाती है एफपीआई। ठीक है, हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही कैटेगराइज कर लीजिए कि 10 लाख से कम 10 लाख से ऊपर। हालांकि ये 10 लाख वाली जो सीलिंग है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द टाइम। चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एफडीआई आपको क्लैरिटी आ गई है। नाउ कमिंग टू एफआईआई। एफआईआई इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इज व्हेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी। देखिए डायरेक्ट नहीं आ रहा, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इन बॉन्ड ऑफर्ड बाय एन इंडियन कंपनी। तो जब भी कोई इंडियन कंपनी द्वारा ऑफर किया जा रहा होता है उसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट कर दे रहे होते हैं। ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंश्योरेंस फंड एटसेट्रा आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट डायरेक्टली। ऐसा क्यों है कि ये केवल और केवल जो होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही केवल आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर मॉनिटरिंग का फंडा हो जाता है, और ये मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाती है, ये मॉनिटरिंग की जाती है सेबी के द्वारा। अब अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को अलग से इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके पास क्या कोई तरीका ही नहीं रहेगा, रहेगा। ये इसके पास एक तरीका होता है, उस तरीके को बुलाता है पी नोट, या इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट। अभी हम लोग थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो फिलहाल आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एक मान लीजिए कंपनी है, कोई बड़ा ग्रुप ऑफ ग्रुप मतलब लोगों का एक ग्रुप है तो वो एफआईआई कहला जाएगा, और अगर सिंगल पर्सन रहेगा तो उसको पी नोट के फॉर्मेट में देखा जाएगा। हाउएवर इफ फॉरेन इंडिविजुअल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट दे हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद सब अकाउंट ऑफ एन एफआईआई। तो अपने किसी एक सब अकाउंट से, अपने किसी एक कंपनी के नेम से सेबी में रजिस्टर करना पड़ेगा। सेबी में जैसे ही रजिस्टर करना पड़ेगा ये टैक्स पेयर बन जाएंगे, टैक्स इनको देना पड़ जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है एफडीआई और एफआईआई का मतलब, ध्यान से इनको समझना है क्योंकि इसी सब का यूज हम लोग आगे पार्टिसिपेटरी नोट को समझने में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। इसमें कुछ खास नहीं होती है, जैसे हम लोगों ने बात किया था एफएटीएफ के बारे में, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि G7 कंट्रीज का एक ग्रुप का एक कह लीजिए कि फाइनेंशियल मॉनिटर है। तो ये G7 कंट्रीज का मॉनिटर है जो कि बेसिकली USA के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही होती है। यहां पर ये काम किस पे करता है, मॉनिटरिंग किसकी करती है, ये मॉनिटरिंग करता है कि कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है या फिर कहीं से टेररिस्ट फंडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फंडिंग करते हुए किसी कंट्री को पकड़ता है तो पहले उसे ये ग्रे लिस्ट में डालता है। ग्रे लिस्ट के बावजूद अगर वो कंट्री नहीं मान रही है और इस तरीके के काम करते जा रही है तो फिर वो ग्रे से बदल करके उसे ब्लैक लिस्ट कर लेगा। तो ये ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद इस कंट्री के साथ किसी भी कंट्री का ट्रेड नहीं पॉसिबल है। और जब भी कोई कंट्री का ट्रेड नहीं पॉसिबल होगा यानी क्लोज इकोनॉमी कर दी जाएगी तो कंपनी वो कंट्री अपने आप में ही मर जाएगी। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002। इट कैन इन्वेस्ट इन इंडियन विदाउट सब अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है, एफएटीएफ क्या करता है कि जितने भी एफआईआई वाले लोग हैं या कह लीजिए कि एफपीआई वाले जो लोग हैं इनको ये क्वालिफाइड करता है। ये बताता है कि देखो ये लोग क्वालिफाइड एनफ है कि कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट इनसे करवा सकते हैं। इनका जो काम है वो एथिकल है, इनका जो काम है वो फेयर है,
ये कहीं से टैक्स की चोरी नहीं करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके के जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कोई अलग से अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगेन ये लोग भी सेबी के द्वारा मॉनिटर्ड होते हैं, इन लोगों को सेबी के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही होती है। द क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर कैन बी एन इंडिविजुअल, ग्रुप और एसोसिएशन, ये कुछ भी हो सकते हैं, एक बंदा भी हो सकता है। देखिए अगर इसके जो भी इंटेंशंस है अगर वो मैल इंटेंशंस नहीं है, अगर वो टैक्स की चोरी करने के बारे में ये सोच के नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उनको काफी अच्छा वेलकम कर रही होती है। द क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर शुड बी रेजिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री दैट इज कंप्लायंट विद द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला, ये कंप्लायंट होना चाहिए, मतलब इनके द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए कि ये क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर की सूची में, इनकी लिस्ट में आ रही है। क्लियर हो गया। इसके बाद छोटा सा एक टर्म है एफपीआई, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बस इसके बारे में देख लीजिए। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एफआईआई अलोंग विद सब अकाउंट्स विद एफआईआई एंड क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स कैन बी कलेक्टिवली क्लासिफाइड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहां पे हालांकि डेटा के बारे में इसीलिए नहीं लिखा है 10 लाख वगैरह के बारे में, क्योंकि वो सीलिंग चेंज होती रहती है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोगों ने जो कुछ भी देखा वो तो देखा एक साइड में जहां पर बेसिकली इंस्टीट्यूट्स आ रही थी जो इन्वेस्टमेंट कर रही थी। मैंने आप लोग को बोला कि अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना होगा, या फिर कह लीजिए किसी इंडिविजुअल को अगर इन्वेस्ट करना होगा, तो वो क्या करेगा, सपोज वो क्वालिफाइड में रजिस्टर्ड नहीं है तो एफआईआई के थ्रू तो कर नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें रजिस्ट्रेशन मतलब कि उन्हें इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा। तो अब इंडिविजुअल क्या करते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग तरीका अपनाते हैं। जैसे एक तरीका होता है पी नोट, और दूसरा एक तरीका होता है एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बट दोनों में एक बड़ा अंतर होता है। और क्या अंतर होता है, हम लोग जरा वन बाय वन करके देखना शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले पी नोट के बारे में देखते हैं, पहले आप समझ लीजिए फिर उसके बाद से देखिए। यहां पर क्या, पार्टिसिपेटरी नोट ऑल्सो रेफर टू एज पी नोट और पीएन आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि ये भी एक तरीके का या तो शेयर होगा या तो बॉन्ड होगा या फिर कोई एक प्रॉमिसरी नोट होगा, कुछ भी होगा ये, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके का क्या होगा, एक रिसिप्ट टाइप की होगी। रिक्वायर्ड बाई इन्वेस्टर्स और हेज फंड टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटी, तो ये इंडियन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट हैविंग रजिस्टर्ड विद द सेबी। इसका मतलब आप जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टर है, सपोज दिस इज आवर इन्वेस्टर। इसको क्या है कि मान लेते हैं कि इंडिया की कंपनी में, इंडिया की कोई कंपनी मान लेते हैं कि रिलायंस ही है, रिलायंस में मान लीजिए इसको शेयर परचेज करनी है। अगर इसको शेयर परचेज करनी है तो खरीदने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा इसको सेबी वगैरह में रजिस्टर करना पड़ेगा, सेबी में रजिस्टर करके तब जाकर के परचेज कर सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इनको दिया गया कि आप पी नोट के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब इस पी नोट का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि हमारे बहुत सारे जो शेयर ब्रोकर वाले लोग हैं, जो शेयर का मतलब ब्रोकरेज वगैरह ले रहे होते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गए या फिर हमारे रेलिगेयर वगैरह हो गई, तो ये जितने भी हमारे संस्थाएं, कारवी हो गई या फिर जीरोधा हो गई, ये जितने भी हमारे शेयर की ट्रेड करने वाली जितनी भी एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, ये करती क्या है, इनको एक पावर दी गई है कि आप एक काम करिए, आप एक पी नोट जारी कर सकते हैं। पी नोट जारी कर सकते हैं जब भी आपको कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो आप एक काम करिए, इनको जैसे मान लीजिए ये जो बंदा है फॉरेन का बंदा है, इसने इन्वेस्टमेंट की 2 करोड़ की और कहा कि यार मुझे फला फला शेयर जो होता है वो खरीद करके दे देना, शेयर के लिए पी नोट इनको जारी कर दिया जाएगा, लो भैया पी नोट प्रॉमिसरी नोट, हाँ ठीक है तुमने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, अब इसके बाद से इस शेयर में जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारा का सारा प्रॉफिट मैं आपको ट्रांसफर करता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे फायदा क्या हो गया हमारी इकोनॉमी को, कि ये जो हमारी इकोनॉमी है यहां पर एफडीआई तो आ ही रहा था, एफआईआई भी आ रहा था, हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा ओपन, एक और विंडो ओपन कर दिया, और वो ओपन कर दिया हम लोगों ने पी नोट के माध्यम से, और यहां पर और पैसा हमारी इकोनॉमी में आना शुरू हो गया। ये एक तरीके का बोला जाता है कि दिस इज ऑफशोर बॉन्ड। ऑफशोर क्यों, क्योंकि ये केवल और केवल फॉरेन के लोग ही ले सकते हैं, तो ऑफशोर बॉन्ड हो जाती है एक तरीके की ये।
यहाँ पर आप पैसा देकर के कहते हैं कि भाई जो प्रॉफिट आएगा वो हमें दे देना। तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार कि हाँ इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? क्योंकि ये तरीका अपनाया गया ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए। कैसे किया गया, अब जरा ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं कि इंडिया में कोई एक बंदा है, उसका नाम है विजय माल्या। मान लेते हैं कि विजय माल्या है। इन्होंने क्या किया, माल्या साहब ने क्या किया, इन्होंने अपना जो कुछ भी कमाई वाई किया है, जो भी पैसा वगैरह रखा है, चाहे वो चोरी से कमाया हो चाहे कैसे भी कमाया हो, इन्होंने स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोल दिया और स्विस बैंक में अपना पैसा डाल दिया। अब चूंकि स्विस बैंक क्या करती है कि पैसा रखने के लिए, जैसे इनको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है स्विस बैंक में, तो स्विस बैंक अपना एक चार्ज लेती है, 2%, 3% अलग अलग होता है, चार्ज ले रही होती है। तो विजय माल्या को तो नुकसान है। विजय माल्या को नुकसान यह है कि पर ईयर इनको स्विस बैंक का चार्ज देना पड़ जाएगा। विजय माल्या कहेंगे यार कोई अदर ऑप्शन बताओ जहां पर हमारा पैसा भी ना कटे। अरे पैसा ही कटवाना होता तो हम इंडिया में नहीं रखते, तो हमें पैसा ना कटवाना हो। इनको बोला गया कि यार एक काम करो, पी नोट खरीद लो। लेकिन पी नोट खरीदने के लिए आप चूंकि इंडिया ने आप खरीद नहीं सकते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आप जाइए किसी एक ऐसे कंट्री में और वहां पर अपना एक कोई एक शेल कंपनी बना लीजिए, कोई एक छोटी सी कंपनी बना लीजिए, शेल कंपनी बना लीजिए, और इस शेल कंपनी में कुछ इंप्लॉय को रख लीजिए। इस एम्प्लॉय को बोलिए कि यार तुम चले जाओ और मोतीलाल ओसवाल के पास, और वहां पर इतना पैसा जो 2 करोड़ रुपए तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो 2 करोड़ रुपए दे करके कह दो कि इन्वेस्टमेंट करना है, और पार्टिसिपेटरी नोट आकर के ले लो। अब इस पार्टिसिपेटरी नोट को एक काम करना, वापस आ करके हमें दे देना पार्टिसिपेटरी नोट, क्योंकि ये ट्रेडेबल होता है, दिस इज ट्रेडेबल। तो पार्टिसिपेटरी नोट मेरे पास जब आ जाएगा तो मैं इस पार्टिसिपेटरी नोट को लेकर के चला जाऊंगा आरबीआई के पास और कहूंगा देखो भाई इतना इस पार्टिसिपेटरी नोट का डिनोमिनेशन मेरे पास पड़ा हुआ है, आप मुझे ये, आप ये पार्टिसिपेटरी नोट रख लीजिए और मुझे इक्वल डिनोमिनेशन का रुपया दे दीजिए आप। अब इस तरीके से विजय माल्या ने क्या किया, चूंकि अब इस जो हमारी ये शेल कंपनी है उस कंपनी को यहां पर रजिस्टर तो होना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया आपको सेबी में ये रजिस्टर नहीं हो रहे होते हैं, और इसी कारण से तो ये लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं पी नोट के फॉर्मेट में। तो मोतीलाल ओसवाल भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि सीधी सी बात है इनको कोई रजिस्ट्रेशन का फंडा नहीं है यहां पर। तो इस तरीके से विजय माल्या ने क्या किया, अपनी अपनी जो ब्लैक मनी था उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया और इस तरीके से स्विस बैंक से अपना पैसा हटाया, 2% का चार्ज बचाया और अल्टीमेटली ये काम घूम फिर करके कर लिया। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये होती है पार्टिसिपेटरी नोट। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था और इस वजह से पार्टिसिपेटरी नोट को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। क्लियर? तो ये थी पार्टिसिपेटरी नोट की कहानी। आगे देखते हैं, छोटी सी कहानी और है जिसका नाम है एडीआर और जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट और जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। पी नोट के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो फॉरेन प्लेयर था वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा था, तो कुछ ऐसा भी तो मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर इंडिया वाले प्लेयर फॉरेन में इन्वेस्ट करें, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और यही जो मेथड है उसी को बोलते हैं हम लोग एडीआर और जीडीआर। एडीआर का मतलब जहां पर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में ये इंडियन प्लेयर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और जहां पर यूके में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो बस सिंपल, पी नोट और एडीआर जीडीआर में कोई अंतर नहीं होता है, बस प्लेयर को आप बदल दीजिए और कंट्री को आप बदल दीजिए। तो दीज आर कॉमनली यूज्ड बाय द इंडियन कंपनीज टू रेज फंड फ्रॉम द फॉरेन कैपिटल मार्केट, व्हाइल एडीआर इज ट्रेडेड ऑन यूएस, जीडीआर इज ट्रेडेड ऑन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। दैट्स ऑल, खत्म हो गया, छोटी सी बात थी। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब इसके बाद से देखिए एक छोटा सा फंडा और है कि यहां पर मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाती है, हमारे इस कंट्री में, हमारे इंडिया में मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जा रही होती है। तो हमारे यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही होती है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1995 एंड हैज बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2000 विद द मर्जर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इनके कुछ फंक्शंस भी हैं। फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉर्मुलेशन पॉलिसी एंड प्रमोशन अप्रूवल एंड फैसिलिटेशन ऑफ एफडीआई। क्लियर है? तो ज्यादा कुछ इसमें बताने वाली बात नहीं है, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इनकरेजमेंट टू फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एट एंटरप्राइज लेवल एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी पैरामीटर फॉर द सेम। तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा,
पार्टिसिपेटरी नोट वगैरह के बारे में पढ़ा, उसके टेक्निकल टर्म्स को समझा। अगर कोई डाउट होता है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से अपने डाउट्स रेज करिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।